वेलकम टू डायनामिक टॉक्स। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको 2008 के मार्केट क्रैश के बारे में पता ही होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्रैश किन रीजंस की वजह से हुआ था, द बिग शॉट नेम की मूवी से, और वो इंडिया में कौन थे जिन्होंने 2 साल पहले ही इसकी वार्निंग दे दी थी। इस पूरी मूवी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको कोई और चैनल में मिलेगा, और एंड में जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी की शुरुआत होती है मार्च 2005 में माइकल बरी से। माइकल बरी साइन कैपिटल के हेज फंड ओनर है। हेज फंड का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि हाई एंड नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के बोरोड कैपिटल पे चलता है। माइकल बरी अपने एम्प्लॉय को टॉप 10 मॉर्टगेज बॉन्ड्स के डिटेल्स लाने को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बिक रहे थे। मॉर्टगेज बॉन्ड्स एक टाइप का बॉन्ड होता है जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स या कोई रियल प्रॉपर्टी को बैक्ड सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर लोन पे लेता है और लोन रिपे नहीं कर पाता है तो बॉन्ड होल्डर्स उस प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे रिकवर कर सकते हैं। उस टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट बूम पे था और लोग इस बॉन्ड को खरीद रहे थे। बैंक्स भी इन मॉर्टगेज बॉन्ड्स को बेच के बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। माइकल बरी नोटिस करते हैं कि बहुत सारे लोग लोन के प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने इन्वेस्टर लॉरेंस को बताते हैं कि वो हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि मॉर्टगेज बॉन्ड्स में बहुत रिस्की सब प्राइम लोन्स हैं। शॉर्ट करने का मीनिंग होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसेट की प्राइस गिरेगी। सब प्राइम लोन्स का मीनिंग है कि ऐसे लोग को लोन्स देना जो पैसे रिपे नहीं कर पाएंगे, पर माइकल बरी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे कि वो बॉन्ड्स को शॉर्ट कर पाए। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनवाते हैं। बैंक मान जाती है और वो मॉर्टगेज बॉन्ड्स पे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बना देती है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मॉर्टगेज बॉन्ड्स पे इंश्योरेंस की तरह होती है जिसमें प्रीमियम्स पे करना होता है। बैंक डॉक्टर बरी को $5 मिलियन का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप देने को रेडी होती है, तभी वो उसे $100 मिलियन करने को कहता है। Yeah, we're prepared to sell you $5 million in credit default swaps on these mortgage bonds. Can we make it $100 million? और बैंक अग्री हो जाती है। डॉक्टर ब्यूरी अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक से टोटल $1.3 बिलियन के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लेते हैं। अब स्टोरी में एंट्री होती है मार्क बॉम और उनके टीम की। मार्क फ्रंट पॉइंट पार्टनर्स नेम की हेज फंड चलाते हैं, और उनके साथ स्टोरी में आते हैं जेरेड वेनेट, जो कि मार्क से कॉइंसिडेंसली मिलते हैं। You smell that? What is that? What? What's that smell? Opportunity. No, money. Oh, okay. I smell money. Okay. जेरेड वेनेट डॉयचे बैंक के लिए काम करते हैं जिनकी बहुत हाई सैलरी होती है, और उन्हें बैंक के वर्किंग स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, पर वो मार्क के ऑफिस में काइंड ऑफ सेल्स पर्सन के तौर पे गए होते हैं। जेरेड डॉक्टर बरी के आइडिया से अग्री करते हैं और उसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जेरेड बताते हैं कि जो न्यू प्राइवेट मॉर्टगेज बॉन्ड्स बन रहे थे वो ट्रांचेस के लेयर से बन रहे थे, जिसमें से ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और 20 को बहुत रिस्की। पर बैंक्स क्या कर रही थी, वो 20 को ही मॉडिफाई करके ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स बता रही थी CDO बनाने के। CDO का सिंपल मीनिंग हुआ कि अलग अलग रेटिंग के बॉन्ड्स का यूज़ करके बना हुआ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर उस बॉन्ड्स के डिफ़ॉल्ट रेट्स 8% हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी 4% है, तो इन बी बॉन्ड्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि इकोनॉमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। 0, डबल बीज, 0, ट्रिपल बीज, 0. And then that happens. What is that? That's America's housing market. जेरेड उन बॉन्ड्स को शॉर्ट करने को कहते हैं माइकल ब्यूरी के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का यूज करके। मार्क बॉम इसके डेटा को अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि बैंकर्स लोगों को हाउस लोन देते टाइम कोई इनकम वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। और यही नहीं, बैंकर्स ऐसे लोगों को भी लोन्स दे रहे थे जो कि रिपेमेंट भी नहीं कर सकते, जिसे सब प्राइम लोन्स कहा जाता है। मार्क ये जान के शॉक में आ जाते हैं और वो तुरंत ही अपने टीम को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स लेने को बोलते हैं। स्टोरी में अब आते हैं यंग इन्वेस्टर्स चार्ली और जैमी।
जो ब्राउनफुल कैपिटल नेम की फंड चलाते हैं, जिसमें उनके ही खुद के पैसे होते हैं। उन्हें कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से वेनेट के प्लान का पता चलता है। चार्ली और जेमी ईस्टा अग्रीमेंट ज्वाइन करके माइकल बरी और मार्क बॉम जैसी ट्रेडर्स लेना चाहते थे, पर कैपिटल कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। ईस्टा एग्रीमेंट का मीनिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाद में वो लोग बैंक क्रिकेट के कुछ कॉन्टेक्ट से ईस्टा एग्रीमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। बैंक क्रिकेट सिंगापुर के ट्रेडर हुआ करते थे। 11th January 2007, मार्क को पता चलता है मॉर्गेज डिफॉल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन सब प्राइम मॉर्गेज बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ रहे थे क्योंकि बॉन्ड्स की रेटिंग अच्छी थी, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब डॉक्टर परी, मार्क, चार्ली और जेमी को प्रीमियम्स पे करते रहना होता है। मार्क स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी के पास जाते हैं। ये एजेंसी बॉन्ड्स की रेटिंग सेट करती है। उन्हें पता चलता है कि रेटिंग एजेंसी बिना बॉन्ड्स के डिटेल चेक किए ही ट्रिपल ई रेटिंग दे देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनके कंपटीटर्स के पास चली जाएगी और उनका प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। मार्क जेरेड वेनेट के साथ बात करते हैं और लास वेगस जाने का डिसाइड करते हैं इन बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जहां अमेरिकन सिक्योरिटाइजेशन फोरम नेक्स्ट वीक को हो रहा होता है। वहां पर वो बॉन्ड CDO सेल्समैन, सब प्राइम लैंडर और भी बड़े लोग होंगे। चार्ली और जेमी भी बैन के साथ लास वेगस आए होते हैं। जेमी के भाई की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, जो सैक में काम करती है। सैक USA का सिक्योरिटीज का रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में सेबी है। वहां जेमी को पता चलता है कि वो लो बजट कट की वजह से मॉर्गेज बॉन्ड्स को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते। यहां चार्ली और जेमी ऐसा कुछ करते हैं जिस बारे में बाकी लोगों ने भी नहीं सोचा था। डॉक्टर बेरी और मार्क बॉम बी ट्रांचेस पे फोकस कर रहे थे और वो लोग डबल ए ट्रांचेस को शॉर्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसमें से मैक्सिमम बी के ट्रांचेस से ही बने हुए थे और उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थे। दूसरी तरफ मार्क एक CDO मैनेजर से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है सिंथेटिक CDO के बारे में। सिंथेटिक CDO का एक्सप्लेनेशन इस क्लिप में देखिए। Let's say I bet 10 million on a blackjack hand. Now this is the first synthetic CDO. I bet you 50 million she wins. Synthetic CDO number two. Hey, I bet you 200 million that lady in the glasses wins that bet. Deal. And this will go on and on with more and more synthetic CDOs. And we can transform an original $10 million investment into billions of dollars. और उस टाइम पे अराउंड 20 टाइम्स CDOs मार्केट में थे एज कम्पेयर टू ओरिजिनल मॉर्गेज। ये जान के मार्क स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो और भी स्वैप्स लेने का डिसाइड करता है और सब लास वेगस से वापस आते हैं। CDOs अब भी स्टेबल होने की वजह से डॉक्टर बेरी को प्रीमियम पे करते रहना पड़ता है। डॉक्टर बेरी को इन्वेस्टर्स का विथड्रॉल रोक देना पड़ता है। April 2, 2007, अब न्यू सेंचुरी नेम की कंपनी बैंकक्रप्सी फाइल कर देती है और 3200 वर्कर्स को फायर कर देती है, लेकिन अब भी CDOs की प्राइस मूव नहीं होती है। जेमी और चार्ली प्रेस के पास जाते हैं सारी डिटेल्स बताने के लिए, लेकिन प्रेस उनकी बात नहीं मानती। अब कुछ दिन बाद वो होने लगता है जिसका प्रेडिक्शन ये लोग कब से कर रहे थे। CDOs अब कोई नहीं ले रहा था, सब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाय करने लगे थे। मार्क बॉम को स्टेज पे इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है ब्रूस मुलर के साथ। ब्रूस बुलिश इन्वेस्टर होते हैं। मार्क के स्पीच के टाइम बहुत सारे स्टॉक्स हैविली गिर रहे थे, जिस वजह से लोगों ने ब्रूस के बुलिश आइडियाज़ बेकार लगे और लोग वहां से चले गए। डॉक्टर बरी अब अपने सारे पोजीशंस कवर कर लेते हैं और चार्ली और जेमी भी अपने पोजीशंस कवर कर लेते हैं, लेकिन मार्क ने अभी भी अपने पोजीशंस कवर नहीं किए थे। September 15, 2008, अब ऐसा कुछ हुआ जो कभी लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेमन ब्रदर्स USA की फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक ने $619 बिलियन के डेप्ट के साथ बैंकक्रप्सी फाइल करी, जो US की हिस्ट्री की लार्जेस्ट बैंकक्रप्सी फिलिंग थी। ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क एक्सचेंज के सारे स्टॉक्स फ्री फॉल में थे। स्टॉक मार्केट इज नाउ डाउन 21% बिकॉज़ वी आर नाउ डाउन 43% वाज द वर्स्ट डे ऑन वॉल स्ट्रीट सिंस द क्रैश ऑफ 1987। माइकल बरी के फर्म को टोटल $2.69 बिलियन का प्रॉफिट होता है। जेमी और चार्ली लेमन ब्रदर्स के बिल्डिंग में देखने जाते हैं। मार्क इमोशनली कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट और बैंक्स की वजह से हुई है, उनका रीज़न गरीब लोगों पे और इमिग्रेंट्स पे बताया जाएगा।
मार्क अपने पोजीशंस कवर करते हैं और इसी के साथ द बिग शॉट मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 2008 के क्राइसिस के 3 साल पहले ही इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने US के फेड चेयरमैन को फाइनेंशियल क्राइसिस का वार्निंग पहले ही दे दिया था, पर उन लोगों ने उस वक्त उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फैक्ट नंबर 2, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की वजह से US की टॉप इंश्योरेंस कंपनी AIG को टोटल $85 बिलियन के साथ US गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, इस मूवी में मार्क बॉम, जो ओरिजिनली स्टीव आइसमैन से इंस्पायर्ड है, उनके भाई की सुसाइड स्टोरी को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कुछ रियल लाइफ में हुआ ही नहीं था, बल्कि उनके न्यू बॉर्न बेबी मैक्स की डेथ हो गई थी एक पेनफुल एक्सीडेंट में, जिस पर स्टीव ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके इस पार्ट को मूवी में ऐड नहीं करवाया, और डायरेक्टर ने उनकी बात के रिस्पेक्ट करते हुए एक फेक स्टोरी क्रिएट करी जिसमें हमें मूवी में एक डिफरेंट स्टोरी दिखाई गई। अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड मूवी पसंद आई है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी जानने के लिए, या सुशांत सिंह राजपूत की डिटेक्टिव मूवी ट्राई करना चाहते तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।